हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। और अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मैं यहाँ खड़ी हूँ अपनी सीढ़ियों के बीच वाले पोर्शन पे, क्योंकि यहाँ पर ना बड़ी आवाज़ें हो रही थी तो मैं देखने आई क्या हो रहा है। तो ये पड़ोस में अभी सामने घर बन रहा है, देखो। तो ये ना उनका घर बन रहा है, तो कुछ ईंट वगैरह उतर रही थी, मुझे लगा ये शोर शराबा किस चीज़ का हो रहा है, जाके देखूँ मैं। और अभी मैं फ्री सी थी, कुछ काम नहीं था मेरे पास, क्योंकि मोलू सो रहा है। मुझे बंदरों का ना बहुत डर लगता है। तो मोलू सो रहा है, आरू ट्यूशन चली गई है, अभी कुछ काम है नहीं, और आज मुझे खाना भी नहीं बनाना है। आज तो मैं बड़ी फ्री हूँ, कल जितना मैंने जितना सारा काम किया ना, इडली बनाई, ये बनाया, वो किया, बहुत काम हो गया था कल तो, लेकिन आज मैं उतनी ही ज़्यादा फ्री हूँ। कपड़े थोड़े से सुखाने हैं तो वो मैं सुखा दूंगी। हाँ देखो, आपसे बात करते करते याद आ गई, कल जो कपड़े मैंने सुखाए थे ना वो ऊपर ही पड़े। तो चलो ऐसा करती हूँ, पहले मैं गेट लगा देती हूँ नीचे का, नहीं तो फिर बंदर वगैरह घुस जाएंगे और वो कपड़े ऊपर से उतार लेते हैं। अच्छा किया मैंने आपसे बात करते करते काम की तो याद आ गई। तो कल मैं कपड़े सुखा के गई थी, दरवाजा बंद कर दिया, तो कल कपड़े सुखा के गई थी, वो देखो अभी सूख चुके हैं। और जो मैंने कल रात को यानी कहा था ना बेडशीट निकाली है, तो वो मैंने धोने डाल दी थी, फिर से एक पिंपल हो रहा है, धोने डाल दी थी, बट मेरे सुबह टाइम ही नहीं मिला मुझे उसको सुखाने का, और जगह भी नहीं थी क्योंकि स्कूल जा रही हूँ तो बाहर तो छोड़ नहीं सकती। तो अब मैं उनको सुखाऊंगी, और सीढ़ी चढ़ के आती हूँ तो मैं थक जाती हूँ। आज मैंने ना काजल की लाइनर लगा दी है, मुझे ऐसा मन कर रहा था कि मैं लगा लूँ, मुझे थोड़ी खुजली हो रही थी तो लगा ली। मैं अभी बात नहीं कर पा रही, मैं थक गई। पहले मैं कपड़े ये वाले निकाल दूँ, दूसरे वाले सुखा दूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ, थकान सी लग रही है मुझे। तो पूरा लॉन्ड्री बैग भर चुका है कपड़ों से, ये रहा ढेर कपड़ों का। तो अब हम चलते हैं नीचे और मैं गेट लगा दूं, नहीं तो फिर उस दिन की तरह बंदर घुस जाएंगे और एक एक कपड़े को फाड़ जाएंगे। तो चलते हैं नीचे। मैं अब मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो पता है मुझसे क्या कहती हैं कि उनका नाम मुझे ध्यान नहीं है, वो कहती हैं कि ना दी प्लीज बुरा मत मानना, मुझे ऐसा लगता है आपके हस्बैंड बहुत गुस्से वाले हैं और कम बोलते हैं। तो वो गुस्से वाले बिल्कुल भी नहीं है, मुझसे तो खैर गुस्सा करते ही नहीं है, वो करते भी हैं तो हम दोनों बराबर गुस्से वाले हैं। लेकिन मेन बात ये है ना कि वो कैमरे के सामने बोलते नहीं है, जैसे मैं कैमरा ऑन करूंगी तो मुंह चढ़ा लेंगे, हटा लो यहाँ से, मुझे नहीं अच्छा लगता। यानी उनको ना अजीब सी शर्म लगती है, क्योंकि वैसे वैसे किसी चीज की मना नहीं करते मुझे कि तुम्हें जो करना है करो, बट वो खुद इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि यहाँ गाँव है ना तो लोग बातें बनाने लगते हैं बहुत ज्यादा। अभी जैसे कि वो कॉलेज जा रहे थे, तो यानी वो कुछ बैग वगैरह कपड़े लेके जा रहे थे हमारे स्कूल के चौकीदार के लिए, तो वो कपड़े ले जा रहे थे, कुछ मैंने कुछ पुरानी जैकेट पड़ी थी वो दे दी, मैंने कहा कि हम इनको फेंक देंगे, इससे तो बेटर है कि किसी को दे दें, उसके काम तो आ जाएंगी। तो दो जैकेट पड़ी थी मैंने वो दे दी, जो आगे बाइक पे थैले में लेके जा रहे थे, मैं आपको भी क्लिप दिखा दूंगी। तो दो जैकेट दे दी और एक रजाई एक बिछौनी, वो मैंने उनको बिछाने के लिए दे दी, क्योंकि मौसम ठंडा है और फिर बेशक वो चौकीदार हैं चाहे कोई भी है, लेकिन इंसान अगर वहाँ पे हम रख रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो मैंने यहाँ से कपड़े दे दिए, मैंने कहा उनको ऐसे मत रखो, वो खैर कोई गरीब हैं तो वो अपने घर से कपड़े नहीं ला रहे थे, बस एक चद्दर ओढ़ के सो रहे थे ऐसी ठंड में। तो फिर मैंने यहाँ से कपड़े भेज दिए, मैंने कहा कि चलो जो भी है हम तो और ले आएंगे, आप उनको लो दे दो। मेरे पास एक ही रजाई थी वैसी रुई वाली जो भरी हुई होती है ना, तो वो मैंने उनको दे दी, मैंने कहा आप ले जाओ और उनको दे देना और कहना कि अच्छे से कपड़े ओढ़ के सोएं वरना बीमार हो जाएंगे। तो जैसे वो रजाई और सब चीज़ लेके बाहर निकले, तो हमारे पड़ोसी कहते हैं सामने वाले कि अरे जय, तुझे तो तेरी वाइफ ने घर से निकाल दिया।
यानी मेरा नाम लेके बोले कि रीनू ने तो तुझे आज घर से निकाल दिया। तो मेरे हस्बैंड बोले कि सही बात है, मेरी बीवी ने तो मुझे घर से निकाल दिया, मैं तो स्कूल पे रहने जा रहा हूँ। तो यानी लोग छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना लेते हैं हमारे यहाँ पे या गाँव में, तो अच्छा भी नहीं लगता। इसी वजह से ना वो यूट्यूब पे मेरे साथ ज्वाइन नहीं होते हैं, अदरवाइज हम दोनों की बहुत अच्छी बनती है, हम सारे दिन मस्ती भी करते रहते हैं और जब झगड़ा होता है तो दोनों इक्वली हैं। हालांकि अगर जब भी हम दोनों में कभी झगड़ा हो जाए ना जब तेज वाला, तो वही मुझे मनाते हैं। आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने उनको कभी नहीं मनाया, मैं उनसे ज़्यादा गुस्से वाली हूँ। लेकिन मैं हमेशा हंसती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ, और उनकी ऐसी आदत है कि वो कम बोलते हैं कम हंसते हैं। तो जेंट्स में ऐसी आदत होती भी है ना, उनको तो बस काम काम काम। मेरे हस्बैंड का बस चले ना तो वो रात को भी अपने काम करने चले जाएं और बस पैसा कमाना पैसा कमाना, ये धुन उनको चढ़ी रहती है अपनी लाइफ में। जब से उन्होंने यानी बहुत सारी जिम्मेदारी झेली है, हम दोनों की लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई लाइफ है, मेरे हस्बैंड की भी और मेरी भी, शादी से पहले भी थी शादी के बाद भी है। और ये स्ट्रगल हमारा कब खत्म होगा कुछ पता नहीं है। तो मेरे सारे सब्सक्राइबर बड़े टेंशन में रहते हैं कि दी आप इतना काम कैसे कर लेते हो, आप थकते नहीं हो? तो पता नहीं क्यों, कहते हैं ना कि जब इंसान के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है ना, उसे पता होता है कि ये जिम्मेदारी हमें निभानी है, तो सब मेरे ख्याल से वो इंसान के अंदर थकान नहीं आती। तो आप भी एक बार अपनी जिम्मेदारी को महसूस करके देखिएगा कि नहीं ये हमारा काम है और हमें करना है, और बड़े ही परफेक्ट तरीके से करना है। देखना आप भी मेरी तरह ही काम कर लोगे, काम करने में कोई बुराई नहीं है, अपना काम है हमें करना है। क्योंकि कई लोग आलस कर जाते हैं, ऐसा होता है कल कर लेंगे आज कर लेंगे, नहीं, कहते हैं ना वो कहावत है ना कि आज करे सो कल, करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो यही बात है कि जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो कामों को पीछे के लिए मत छोड़ो। जो काम आपका है कल करने की सोच रहे हो उसको आज कर लो, जो आज करने की सोच रहे हो उसको अभी कर लो। अब एग्जाम्पल जैसे ये कपड़े रखे हैं, मैं चाहूँ तो इस लॉन्ड्री बैग को उठा के रख भी सकती हूँ कि कल कर लूंगी मेरा ही काम है, लेकिन कल भी मुझे करना है और आज भी मुझे करना है, तो क्यों ना मैं अब करूँ। तो आपसे बात करते हैं और फटाफट से काम करते हैं। अपने काम को बोझ समझोगे तो आप कभी नहीं कर पाओगे, अपने काम को जिम्मेदारी समझिए, खुश से करिए, खुश मिजाज होकर हंस कर करिए, आपका काम भी हो जाएगा और आप हैप्पी भी रहोगे, आपका घर भी क्लीन रहेगा। और थकान की बात है तो शहरों का खाना पीना ऐसा होता है ना कि आप लोग दिखावे वाली जो जिंदगी होती है ना वो जीते हो, ये चीज़ ले आओ ये बेटर होती है। आप लोग बटर यूज़ करते हो कि बहुत अच्छा होता है बहुत अच्छा होता है, हमारे घर में बिल्कुल बटर यूज़ नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि वो केमिकल से बना होता है। अगर रियल चीज़ खानी है आप घर में मलाई बनाओ, उस मलाई से जो बटर बनता है आप उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और या तो फिर थोड़ा सा केसर डाल दीजिए और आपका बटर बन के रेडी हो गया, और उस बटर को खा के देखिए अलग ही फ्लेवर आएगा, अलग ही ताकत आएगी। लेकिन ऐसी बातें क्या है कि लोगों को लगता है कि किताबी है, क्योंकि आजकल की दुनिया दिखावे में जी रही है तो लोगों को दिखावा अच्छा लगता है। मैं बहुत सादा जिंदगी जीती हूँ क्योंकि मैं यहाँ गाँव में रह रही हूँ, कभी ऐसी चीज़ें खाना पीना भी चाहूँ ना तो एक तो मिलती नहीं है। मुझे पिज़्ज़ा खाना बहुत अच्छा लगता है, मैं जब शादी से पहले मैं अहमदाबाद में थी तो मैं इटालियन पिज़्ज़ा हमेशा खाया करती थी, और शादी के बाद मुझे याद भी नहीं है कि मैंने पिज़्ज़ा कब खाया था। तो ये अंतर हो जाता है गांव की लाइफ में और शहर की लाइफ में, क्योंकि अहमदाबाद में पिज़्ज़ा खाना कोई बड़ी बात नहीं थी और यहाँ तो पिज़्ज़ा का नाम लेना भी काफ़ी बड़ी बात है। यहाँ पर केवल एक शोरूम के अलावा और कुछ नहीं है, बस वो एक शोरूम नहीं होता ना तो हम जैसे तो मर जाते कि कपड़े कहाँ लेने जाएं। तो यही बस लाइफ है, लाइफ को जियो इन्जॉय करो। कहते हैं ना कि किसी की लाइफ में पूरी तरह से खुशियाँ नहीं है, 100% कोई भी अपनी लाइफ में खुश नहीं है, लेकिन अपनी लाइफ के अगर अपने लाइफ के जो टेंशन है जो दुख है आप उनको लेकर जीते रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी खुश नहीं रहोगे। मेरी लाइफ जितने टेंशन, मेरी लाइफ जितने दुख तो शायद ही किसी की लाइफ में होंगे, बट मैं हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती हूँ। और जो ऐसा लगता है कि ये इंसान हमारी दुख का वजह बन रहा है, यानी दुख की वजह ये इंसान बन रहा है, तो उस इंसान से दूर रहिए, अपने आप में खुश रहिए। और मेरी खुशी की वजह है मेरे दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड, बस ये मेरा जो छोटा सा परिवार है ना ये मेरी खुशी की वजह है, मैं इन्हीं के अंदर अपनी खुशी ढूंढती रहती हूँ और खुश रहती भी हूँ।
और यहाँ मोलू को देखिए लॉटरी बैग के अंदर घुस के खेल रहा था, और ये दोनों भाई बहन खेल रहे थे ना, मेरी अचानक से नज़र पड़ी तो फिर मैंने ना ये क्लिप उतार ली है ना, नोटी मेरे दोनों के दोनों बच्चे, वो डांस करेगी अभी थोड़ी देर में और वो लॉन्ड्री बैग में बैठ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज है नेक्स्ट डे, कल वेडनेसडे था और आज आई थिंक थर्सडे है, मैंने देखा नहीं है। तो कल क्या है कि मैं व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई, कल मैं आपसे बातें कर रही थी और उसी वक्त मैंने कहा ना म्यूजिक बज रहा है, तो वो म्यूजिक रात के 10 बजे तक बजा। कोई बैंड वाले हैं हमारे पास तो हमारे बगल में ही, तो वो प्रैक्टिस कर रहे थे अपने म्यूजिक की, तो फिर है ना पूरे यानी म्यूजिक ही आ रहा था, तो फिर मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। और अब है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मॉर्निंग के अभी 7 बज रहे हैं और मेरा यहाँ पे चल रहा है काम काज। सब्जी बन गई है, आटा लगा के रखा है, 5 मिनट के लिए मैंने उसे रेस्ट पे छोड़ा है। और साउंड में थोड़ी पीछे से आवाज आ रही होगी मशीन की, तो मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले हैं धोने के लिए। आपको दिखा देती हूँ मैं कितने सारे कपड़े हैं, जबकि मैं रोज कपड़े धोती हूँ, तो ये डेली वेयर के धुल रहे हैं कपड़े। और नीचे देखिए ये इतने सारे जींस मेरे हस्बैंड के पड़े हैं, पता नहीं उन्होंने, मैं रोज एक जींस उनका धोती हूँ, रोज एक पैंट धोती हूँ, लेकिन उन्होंने पता नहीं कहाँ दरवाजे के पीछे इकट्ठे कर दिए थे इतने सारे, मैं अभी निकाल के लाई हूँ। मैंने कहा ये कब पहने हैं, तो बोलते मैं दिन में 2 जोड़ी पहन रहा हूँ। तो ये कपड़े निकाल के लाई हूँ, वॉशिंग मशीन में मैंने चला दिए हैं। और स्कूल जाना है या नहीं मुझे नहीं पता, आज मेरा मन नहीं है जाने का, क्योंकि मुझे एक कमेंट बहुत आ रहा है कि दीदी आप क्वेश्चन सिखाइए, आप मुझे पागल बना रही हैं, आप क्वेश्चन नहीं सिखा रही हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं स्कूल ना जाऊँ और क्वेश्चन बना दूँ, क्योंकि उनको फिर ऐसा लगने लगेगा ना कि सब्सक्राइबर को कि ये झूठ बोल रही है, इनको नहीं आता है। आता है, लेकिन वही है कि मेरे पास टाइम नहीं होता, आप लोग मेरे शेड्यूल जान रहे हैं। तो मैंने ना स्वेटर पहन रखा है, क्योंकि मैं आरू को छोड़ने गई ना स्कूटी पे, तो स्कूटी पे बहुत तेज ठंड लगती है, हवा लगती है, तो मैंने भी पहना है। मोलू को भी पहना रखा है, मोलू को तो मैंने यहाँ तक जो होता है मंकी केप वो पूरा यहाँ से कवर करके तब लेके गई थी, क्योंकि बहुत तेज हवा लगती है ठंडी में। और मेरे साथ ये है, अब थोड़ी मेरी काम की स्पीड कम हो गई, क्योंकि सुबह उठती हूँ तो मेरे ये दोनों शोल्डर यहाँ से यहाँ तक बहुत दुखते हैं, यानी 10-15 मिनट तक तो मैं इनको उससे सहलाती रहती हूँ, ऑयल से मसाज करती हूँ, तब जाके मुझे रिलैक्स होता है। और इन सब चीजों की मैंने बहुत दवाई ली है, काफी इलाज कराया है, लेकिन कुछ भी राहत नहीं होती। डॉक्टर बस एक्सरसाइज बताते कि वो ऐसे वाली एक्सरसाइज होती है ना, आप ऐसे 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 करके हाथ ऊपर ले जाओ फिर नीचे ले जाओ, ये एक्सरसाइज है। और ये मुझे ठंडक, मैं जानती हूँ मुझे ठंडक से प्रॉब्लम है, अगर मैं एसी में सोऊं तो मुझे ये दिक्कत होती है, और ठंडियों के सीजन में तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इसी वजह से मैं तो अपने आप को कवर करके रखती हूँ, भाई कवर नहीं करूंगी तो फिर काम कैसे कर पाऊंगी। और अभी मैंने अपना फोन हाथ में पकड़ा है, तो वो हाथ में मुझसे पकड़ा भी नहीं जा रहा, मुझे इतना दर्द हो रहा है हाथ में, यानी मैं बहुत देर तक अपने हाथ को ऐसे नहीं रख सकती हूँ, इतना दर्द है कि मैं बता नहीं सकती, लेकिन क्या करूँ, ये दर्द सही नहीं होता। कम से कम 4-5 साल हो गए मुझे इसे सहन करते करते, जब से आरू हुई है उसके बाद से मेरे जॉइंट्स में काफी दर्द होता है, लेकिन वो भी सीजन वाइज होता है, अब ज्यादा गर्मी आएंगी तो नहीं होगा, बारिश के टाइम पे होने लगता है, विंटर में होने लगता है, तो क्या करें, अब ये दर्द को झेलना है। और दूध रख दूं गर्म करने के लिए, क्योंकि दूध लेके आई हूँ और दूध की जो भगोनी है वो मांजने के लिए रखी है, हाँ एक है दूसरी, तो ये दूसरी भगोनी है इसमें रख देती हूँ। और मेरे घर में 1.5 किलो दूध आता है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो 1.5 किलो दूध तो चाहिए। आरू को लेने जाती हूँ, मैं दूध लेके आ जाती हूँ, तो फटाफट से मैं रख दूं दूध गर्म करने, क्योंकि अभी लाइट। तो ये मेरे पास एक ब्लाउज का वेस्ट कपड़ा पड़ा था, यानी आप अपने घरों में पड़े ही रहते हैं इस तरह के ब्लाउज के पीसेस,
तो मैंने सोचा कि मैं इसी का बना लेती हूँ, क्यों अपने पैसे वेस्ट करूँ। और आप देखना इसे कितना अच्छा यानी कुशन कवर बन के रेडी हुआ है। बट जब मैं इसे क्लिप यानी कट कर रही थी ना, वो वाली क्लिप मोलू ने कट कर दी और मैं इसमें ज्वाइन नहीं कर पाई। मुझे लगा कैमरा ऑन है बट मोलू ने बंद कर दिया था। तो बस यहाँ पे मैंने जो कुशन कवर था ना उसी के नाप से यहाँ पे मैंने इस ब्लाउज पीस को काट लिया है। और बस अब जिस तरह से मैंने इसे रखा है उसी तरह से चारों तरफ से इसे अच्छे से सिलाई कर लेंगे। और आपको बस चारों तरफ से इसे इक्वल तरीके से रखना है, कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं करना है, नहीं तो फिर इसमें झोल आ जाएगा। तो बस इसे आप देख रहे हैं इसी तरह से मैं इसमें अब फटाफट से सिलाई लगा लूँगी और यहाँ पे कुशन कवर मेरा के रेडी हो जाएगा। और मैंने रुई पहले से ला के रखी थी, एक्चुअली मेरे घर पे पड़ी थी, वो टेडी बियर की रुई होती है जो यानी टेडी बियर बच्चों के पुराने हो जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ उनकी रुई वगैरह निकाल लेती हूँ और उसका रीयूज़ कर लेती हूँ। तो बस वही रुई पड़ी थी तो वही मैंने कुशन के अंदर डाल दी। तो बस आप देख सकते हैं इस तरह से आपको तीनों कोनों में अभी सिलाई ले लेनी है, क्योंकि तीनों कोनों में अगर सिलाई ले लेंगे तो एकदम परफेक्ट तरीके से उसका जो शेप है वो निकल के आएगा। तो आप देख सकते हैं एक साइड मैंने ले ली, अब मैं दूसरी साइड सिलाई ले रही हूँ, इसी तरह से मैं तीसरी साइड भी सिलाई ले लूँगी। और जो चौथी साइड है वहाँ पर हम सिलाई तब लेंगे जब हम इसमें रुई फिलअप कर देंगे। तो बस यहाँ पे मैंने पूरी रुई भर दी है और जो अच्छे से भरना है ताकि कहीं भी ज़्यादा या कम ना हो, तो बस पूरी रुई मैंने भर दी। और अब ये इसका जो मुंह कहेंगे यानी जो लास्ट वाला भाग है तो इसको भी मैं सिलाई से ही बंद कर दूँगी, क्योंकि हाथ से करेंगे तो इतना प्रॉपरली नहीं होगा। और ये क्या है कि आप चाहें तो इसे एज अ रुई के साथ भी आप इसे वॉश कर सकते हैं, ये वॉशेबल रुई होती है तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो बस यहाँ पे अब मैं फाइनली सिलाई दे दूँगी और मेरा कुशन बनके रेडी हो गया है। और क्योंकि मेरे पास इसका कवर था इसलिए मैं इसमें कोई पैटर्न नहीं कर रही, कोई अच्छा कपड़ा मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे इसको अंदर ही रखना है। तो बस यहाँ पे मेरी फाइनल सिलाई हो गई, मेरा कुशन बनके रेडी हो जाएगा। तो मैं आपको जस्ट अभी 2 सेकंड के अंदर ही दिखाती हूँ कि मेरा कुशन कैसा बना है। और मैंने इस शेप का बनाया है क्योंकि मेरे पास जो कुशन कवर था वो इस शेप का था इसकी वजह से। तो बस मैंने उसे हाथों से थोड़ा अच्छे से दबा के पुश कर दिया ताकि वो एकदम इक्वल हो जाए रुई चारों तरफ। और बस यहाँ पे मेरा कुशन बनके रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा कुशन बनेगा। बस 2 सेकंड में आपको दिखाती हूँ। तो आई होप मैंने आपकी इच्छा पूरी करी हो और आप शायद मेरी इस वीडियो से खुश भी हो जाएँ, आशा तो यही करती हूँ। तब आप देख सकते हैं कितना प्यारा कुशन बन के रेडी हुआ है। तो आप भी ऐसा कुशन बनाइए और अपने घर के वेस्ट मटेरियल का रीयूज़ करिए और अपने घर को सजाइए जैसे कि मैंने अपने बेड को सजाया है। तो बस यही मुझे आपको बताना था कि छोटी मोटी चीज़ों से आप अपने घर को सजा सकते हैं जैसा कि मैंने किया है। तो आप भी ऐसा करिए और फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, और दूसरा कुछ अलग टाइप का कुशन कवर मैं ज़रूर बनाऊंगी कुछ। बस जस्ट अभी मैं कुशन बना के खड़ी हुई और मैंने आपको दिखाया कि कुशन कैसे लग रहे थे, यानी कैसे लग रहे थे बेड पर, कितना अच्छा लुक आ रहा था। क्योंकि हम इस साइज़ के तो ज़्यादातर बनाते ही हैं, बट आजकल जो मैंने अभी जो शेप बनाया ना वो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है और काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो मैंने फिर उस शेप में बनाया क्योंकि मैं कुशन कवर लेके आई थी और वो उसी शेप के थे, तो मैंने इस शेप में बना दिया। और दूसरी बात और कि रुई भी ख़त्म हो गई थी,
मेरे पास जो कॉटन थी वो खत्म हो चुकी थी, तो मैं और बना नहीं सकती। और देखिए अभी इतनी सी कॉटन और पड़ी है इस कवर के अंदर, तो इससे तो कोई क्वेश्चन बनता नहीं। तो बस आपके कमेंट के लिए, आपके कमेंट की वजह से मैंने एक सिंपल तरीके से क्वेश्चन बनाना सिखाया है, क्योंकि वो मेरे पास वो ब्लाउज का एक पीस पड़ा था, वेस्ट था। और हाँ, जब मैं उसे कट कर रही थी ना, उस वक्त मोलू ने कैमरा बंद कर दिया था, तो कट करते की जो क्लिप है ना वो नहीं ले पाई हूँ। बाकी मैंने सब चीज दिखाई है। और इसी तरह से आपको जो शेप का क्वेश्चन बनाना हो ना, बस उसका आप क्वेश्चन कवर रख लीजिए, उसके नाप से उसे कट कर लीजिए और चारों तरफ से उसे सिल लीजिए, और आपका क्वेश्चन रेडी हो गया। आप कोई भी शेप, कोई भी डिजाइन दे सकते हो। मैं दोबारा से रुई लेकर आऊंगी, और आपके लिए एक और क्वेश्चन, जो कि मैंने लेस लगाई थी, पॉम पॉम वाली लेस लगाई थी उसमें, तो उस तरह का जरूर बना के दिखाऊंगी। लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही कर पाई हूँ। तो आई होप आप मेरी इस वीडियो से प्लीज थोड़े से हैप्पी हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और अगर आप फर्स्ट बार मेरी वीडियो पर आए हैं तो प्लीज विद बेल आइकन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अब तो आपको सुना, मैंने आपके कहने पे क्वेश्चन बना दिया। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ और फटाफट से वीडियो को एडिट करने लगती हूँ, क्योंकि मुझे ये वीडियो आज ही पोस्ट करनी है, थर्सडे के दिन ही। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आई लव यू माई ऑल फ्रेंड एंड माई ऑल व्यूअर। सब्सक्राइबर तो है ही, ऑल व्यूअर भी है। बाय बाय।